आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। स्थानीय प्रशासन की सख्ती से श्रद्धालु नहीं लगा पाए नर्मदा में आस्था की डुबकी, दर्शन कर लौटे। पूर्व के नाव हादसे और कोरोना के चलते प्रशासन ने लिया स्नान पर प्रतिबंध का फैसला। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर नर्मदा स्नान करना शास्त्रों में विशेष माना गया, जिसके कारण प्रतिवर्ष मकर संक्रांति पर्व पर हजारों की तादाद में स्थानीय और बाहरी क्षेत्रों से श्रद्धालु बड़वाह स्थित मां नर्मदा नदी पर स्नान ध्यान करने आते हैं। लेकिन इस वर्ष नगर में पहली बार मकर संक्रांति पर ऐसा देखने को मिला कि प्रशासन के सख्त रवैये से श्रद्धालु नर्मदा घाट पर स्नान नहीं कर पाए। उन्हें मां नर्मदा के दर्शन और सूर्य देव को अर्घ्य देकर वापस लौटना पड़ा। दरअसल खरगोन जिले के बड़वाह में नावघाट खेड़ी स्थित मां नर्मदा नदी का तट मकर संक्रांति पर्व पर हमेशा भक्तों से पटा रहता था, लेकिन नावघाट खेड़ी का नर्मदा तट इस वर्ष शासन के नियमों के तहत प्रतिबंध की वजह से वीरान नजर आया। घाट के पहुंच मार्गों पर बैरिकेड लगाकर लोगों की आवाजाही पर रोक लगाई गई, ताकि श्रद्धालु घाट तक वाहन लेकर न पहुंचे, जबकि घाट पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस जवानों को भी तैनात किया गया। पंचायत सचिवों द्वारा नर्मदा घाट पर श्रद्धालुओं को माइक से अनाउंस कर स्नान करने का मना करते हुए केवल दर्शन करने की हिदायत दी गई। जब तक सख्ती रही तब तक भक्तगणों को स्नान के बजाय दर्शन से ही संतुष्टि करनी पड़ी। घाट पर बैठे भिक्षुकों को श्रद्धालुओं ने दान देकर पुण्य लाभ कमाया। इस दौरान SDM प्रवीण फुलपगारे ने बताया, बीते दिनों हुए नाव हादसे और कोरोना संक्रमण की वजह से नर्मदा घाट पर धारा 144 लागू की गई, ताकि घाट पर आने वाले दर्शनार्थियों को कोरोना संक्रमण और किसी अप्रिय घटना से बचाया जा सके। इसके लिए पंचायत, राजस्व और पुलिस टीम भी नावघाट खेड़ी पर तैनात रही। बड़वाह से चीफ एडिटर नवरत्न जैन के साथ विकास पवार की रिपोर्ट। असर है कि आज सिर्फ यहाँ जो मेरे को लग रहा है कि बड़वा की जनता ही है जो छुटपुट मात्रा में यहाँ पर है, पर पुलिस और प्रशासन की पूरी व्यवस्था है। हमारी पंचायत की टीम है, रेवेन्यू की टीम है और पुलिस की टीम है, और किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए हमने इस तरह का आदेश जारी किया है, तो उसका पालन भी हो रहा है। सर, क्या नाव पर भी प्रतिबंध है? नाव अभी जब तक इनके पंजीयन नहीं हो जा रहे पंचायत, और इनका फिटनेस नहीं हो जाता तब तक हम इसको पूर्णतः प्रतिबंध। आज ये मकर संक्रांति पर्व पर घाट पे स्नान के लिए प्रतिबंध लगा गया है, और यहाँ प्रशासन द्वारा व्यवस्था लगाई गई है, और पूर्व में जो घटना घटी है इसलिए भी यहाँ पे प्रतिबंध किया गया है। अभी और कुछ लोग आ रहे जा रहे हैं, उनको समझाइश दी जा रही है,